आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एटी तड़का। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। अगर आप भी इस प्रोसेस से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी तगार, थोड़े से ड्राई फ्रूट, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कटोरी घी। घी, बेसन और तगार हमें एक ही कटोरी के माप से लेना है। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में हम आधा घी डालेंगे और आधा घी हम बाद में डालेंगे। अब हमारा घी गर्म हो गया है, आंच को हम स्लो से मीडियम पर ही रखेंगे। हम अब उसमें 2 कटोरी बेसन डालेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। पहले कुछ सूखा सा लगेगा, फिर जैसे जैसे हम इसमें भूनेंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा और बेसन घी छोड़ता जाएगा। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसे भूनने में हमें 20 से 25 मिनट लगे हैं। अब हमारा बेसन अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसे दानेदार बनाने के लिए 2-3 टेबल स्पून पानी का छींटा देंगे। अब 1-2 मिनट तक और भूनेंगे और अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और अब हम मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम इसमें तगार डालेंगे और हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लड्डू बनाएंगे। अगर आपके लड्डू ठीक से नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून घी गरम करके डाल सकते हैं। इतने मिश्रण में हमारे 17 लड्डू बने हैं। इसी तरह आप सिंपल, इजी और टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू इस दिवाली पर बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू।